अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको मिस्टर रसल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज की मंडे नाइट रॉ पर हुए मुस्तफा अली के मैच की। तो एक मरतबा फिर से हमें आज की मंडे नाइट रॉ के ऊपर मुस्तफा अली हमें मेन इवेंट के ऊपर शो करते दिखाई दिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के मैच में मुस्तफा अली का ओपोनेंट कौन था और इस मैच का रिजल्ट क्या रहा। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की मुस्तफा अली के मैच से, जहां पर आज एक मरतबा फिर से WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को नहीं मिले और एक मरतबा फिर से उनका मैच WWE ने मेन इवेंट के ऊपर रिकॉर्ड करके रख लिया है, जो कि हमें सैटरडे के दिन देखने को मिलेगा। वेल इस मैच की बात करें जहाँ पर मुस्तफा अली के ओपोनेंट थे इस दफा रिकोशे, पर मुस्तफा अली इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। वेल इस मैच के बाद मुस्तफा अली आकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट करते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा अफसरदा नजर आ रहे हैं। वेल अगर हम डिस्कस करें मुस्तफा अली के फ्यूचर के बारे में, तो अब ऐसा लगता है कि WWE ने मुस्तफा अली को द हार्ट ऑफ मेन इवेंट बनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हमें WWE मुस्तफा अली की लगातार बुकिंग मेन इवेंट के ऊपर करती नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि WWE कब तक मुस्तफा अली को मेन इवेंट के ऊपर मैचेस देती है। वेल ऐसा तब तक ही होता रहेगा जब WWE मुस्तफा अली को कोई अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का फैसला ना कर ले। तब तक अब आपको मुस्तफा अली या तो डार्क सेगमेंट या फिर द हार्ट ऑफ मेन इवेंट बनते दिखाई देंगे। तो इसी दुआ के साथ कि WWE मुस्तफा अली को कभी ना कभी एक मरतबा फिर से अपॉर्चुनिटी देगी, इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जाने से पहले अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।